दोस्तों स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। अगर आप मार्ग यूजर हैं और अपने मार्ग सॉफ्टवेयर को क्लाउड से चलाना चाहते हैं या मार्ग में कुछ ऐसे फीचर चाहते हैं जिससे आप घर से, दुकान से या कहीं से भी एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मार्ग को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं और घर से, दुकान से या फ्रेंड के यहाँ से या मल्टीपल लोकेशन से अपने मार्ग सॉफ्टवेयर को कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को या इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत हो तो उसके बहुत काम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लाउड होता क्या है। क्लाउड का मतलब ये है कि हम एक ऐसा पीसी, एक ऐसे सर्वर पे अपने डेटा को रख रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं है, यानी कि आपका मार्ग जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट में इंस्टॉल हो जाएगा, क्लाउड में इंस्टॉल हो जाएगा और उसको आप कहीं भी यूज कर पाओगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल सर्वर बनाते हैं और उस सर्वर पे आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। जब हम वर्चुअल सर्वर बना देते हैं तो इस तरह से आपको क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड, डिटेल वगैरह मिल जाएगी। डेमो की डिटेल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप खुद डेमो चला के देख सकते हैं। बहुत ही शानदार स्पीड है, बहुत ही सिक्योर डेटा रहता है। हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि बैकअप सिक्योरिटी क्या है, एक यूजर का क्या प्राइस है, मल्टी यूजर का क्या प्राइस है और कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट रहेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब आप हम आपके लिए सर्वर बनाते हैं तो इस तरह से एक यूआरएल बन के आ जाता है। इस यूआरएल पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते जा रहे हैं और फिर आगे आपके जो क्वेरीज आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए यूआरएल पेस्ट किया, इंटर किया। अब ये यूआरएल हम घर से भी पेस्ट कर सकते हैं, दुकान से या मल्टीपल लोकेशन से। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपका मार्ग सिंगल यूजर है तो आप एक टाइम पे एक ही यूजर क्लाउड यूज कर सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ एक यूजर ही परचेज करना है अगर आपका सिंगल यूजर मार्ग है। अगर दो लोग एक साथ यूज करते हैं आपके मार्ग को, यानी डबल यूजर मार्ग आपने ले रखा है पहले से, तो आपको क्लाउड भी डबल यूजर परचेज करना है जिससे आपके दो लोग एक साथ काम कर सकें। ऐसा नहीं होगा कि आपके पीसी में भी ऑफलाइन चले और नेट पे भी चले, ऐसा नहीं होगा। पूरा डेटा, जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो पूरा पूरा क्लाउड पे हो जाएगा और दो लोग कहीं से भी कभी भी यूज कर सकते हैं। सिंगल यूजर का प्राइस यहाँ पे देखिए मैंने डिस्प्ले किया है कि 8,999 सिंगल यूजर को होता है, उसमें 2,999 डिस्काउंट होकर आपको फाइनल एक यूजर 6,000 रुपये प्लस जीएसटी का पड़ेगा। इसी प्रकार से दो यूजर 12,000 प्लस जीएसटी और तीन यूजर से ज़्यादा लेते हैं या चार यूजर लेते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हम जितने भी यूजर आपको चाहिए आप हमसे बात करके आप यूजर ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आप कॉल करके हमें अपना रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। हमारी फर्म का नाम है डेटा हाउस टेक्नोलॉजी, जबलपुर में, एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमारा ऑफिस है और मेरा नाम हरिओम गौतम है। आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने यूजर नेम वगैरह लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना जो हमें यूजर मिलेंगे, अब जैसे हमने सिंगल यूजर डेमो है ये तो एक यूजर है, अगर आपके पास दो यूजर परचेस करेंगे तो अब दो यूजर आपको मिलेंगे। दोनों यूजर आप एक जन दुकान से और एक जन घर से, दोनों अलग अलग लोकेशन से यूज कर सकते हैं उसको। मैं इसको कॉपी करके डाल देता हूँ। और इसी प्रकार से पासवर्ड डाल दिया हमने। तो जैसे हमने ये यूजर नेम, पासवर्ड, सारी डिटेल डाली तो ये क्लाउड पे, मतलब गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। अब ये मैं इस पीसी पे भी चला सकता हूँ, अपने घर के पीसी पे भी चला सकता हूँ, कहीं से भी मैं इसको लॉगिन करूँगा ये लॉगिन हो जाएगा। बैकअप ऑटोमेटिक होता है, बैकअप बहुत सिक्योर होता है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने ये आपके सर्वर पे रख दिया अपना डेटा तो हमारा सिक्योर होगा कि नहीं। आप यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, अपने पासवर्ड रीसेट करा सकते हो और बैकअप खुद भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट जो करेंगे वो मार्क का डेटा जो होगा एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं, डेटा यहाँ पे आप रख सकते हैं।
फोल्डर खोलते हैं, इस फोल्डर में अपना डेटा आप पेस्ट कर दोगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। बैकअप वगैरह भी यहाँ से सिंपल आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे फाइलें रहती हैं उनको सीधा कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सिंपल मार्ग में क्लिक करोगे, मार्ग आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए डेटा मैं फ़ोन से चला रहा हूँ, ये पूरा जो अभी चल रहा है ये फ़ोन से चल रहा है, मतलब स्पीड आपको देखनी है तो देखिए मैंने अभी ये मोबाइल से कनेक्ट किया है अपने वीवो VY33T से, और ये मोबाइल के वाईफाई से हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है और बड़ी अच्छी स्पीड दे रहा है। और अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो क्या कहना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं कोई एक कंपनी रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ, कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए मेरी फार्मा की है तो एग्जांपल के लिए मैं फार्मा ले लेता हूँ। बाकी आपका कोई भी बिजनेस हो सभी में आप क्लाउड यूज कर सकते हो। मैंने ये फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का बैकअप रिस्टोर किया, अब ये हमारा चालू हो गया। ओके, ये हमारा देखिए इंस्टॉल भी हो गया। बैकअप कंपनी आप चाहे मल्टीपल कितनी भी रख सकते हो, बैकअप खुद भी ले सकते हैं, ऑटोमेटिक आपको मेल भी आ सकता है। अब हमने यहाँ पे एक नया बिल बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। सिंपल देखिए बिल में सेलेक्ट किया, पार्टी सेलेक्ट किया, इंटर किया हमने, और ये डिटेल डाली हमने, इंटर किया और क्वांटिटी डाली हमने, 6 पीस 4 पीस जितनी भी है, और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया टैब दबा के, और यहाँ पे ये आपका बिल सेव हो गया। ठीक है, अब देखिए कई लोगों का कहना होता है कि भाई मुझे ये स्क्रीन ऐसी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फुल स्क्रीन जैसे मैं मार्ग अपने पीसी में यूज करता आया हूँ। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो भी वो फुलफिल हो जाएगी। हम इसके साथ एक फाइल बना के देंगे जिससे आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन खुलेगा। चलिए वो कैसे होगा, हम एक इस तरह से एक फाइल बना के आपको दे देंगे, जिस पीसी में आपको चलाना है उस पीसी में आप फाइल अपनी पेस्ट कर दीजिए तो सीधा आपका जो सॉफ्टवेयर है वह ऐसा लगेगा जैसे आप लोकल यूज कर रहे हो, है ना। अभी हमने ये देखिए क्लाउड पे खोल के अभी ये हमने बिल बनाया कंपनी किया, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये आइकॉन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मार्ग एसके, मान लीजिए ये मार्ग एसके के नाम से हमने एक आइकॉन बनाया है, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा और हम इसको क्लाउड को यूज कर सकते हैं। मतलब वही जो चीज़ हम कर रहे थे वो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमारी ओपन हो गई, अब हमें गूगल क्रोम में नहीं खोलना है, डायरेक्ट हमारा खुल जाएगा। तो इस तरीके से मार्ग चलेगा। सिंगल यूजर 6000 का है, डबल यूजर 12000 का है, उससे ज़्यादा आप लेते हो तो उसमें कुछ डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको हम ये पूरा साल भर का होता है, एवरी ईयर चार्ज इसके जो होते हैं एवरी ईयर होते हैं, हर साल होते हैं। और इसमें अब देखिए जो मार्ग सॉफ्टवेयर है वो फुल स्क्रीन में है, मतलब आपको सिंगल स्क्रीन नहीं है, फुल स्क्रीन में पूरा दिख रहा है। यहाँ पे आप ये आपने जो बिल बनाया अभी मैंने वहाँ बनाया था ये देखिए आ गया, और ये बिल को अपन प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी प्रिंटर होगा उस पर सपोर्ट करेगा ये, कोई भी सिस्टम होगा उस पर सपोर्ट करेगा ये, तो आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और आपका जो वर्किंग है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अब ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारा सिस्टम करप्ट हो गया तो डेटा उड़ गया तो उससे बचाता है। दूसरी चीज़ आपको हर चीज़ के लिए ऑफिस भागने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे हो तो घर पे ही बिल बना लीजिए, ऑफिस में बैठे हैं ऑफिस में बिल बना लीजिए। कभी टूर पे हैं, जो लोग टूर करते हैं अपने कलेक्शन के लिए लैपटॉप में ऑर्डर बनाते हैं फिर कलेक्ट करते हैं, और सिंगल पर्सन है तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बड़ा बिजनेस है आपका, आपके पास 3-4 लोग हैं जो अलग अलग लोकेशन में बैठ के काम करना चाहते हैं, कभी वाईफाई डिसकनेक्ट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो उन लोगों का काम डिस्टर्ब होता है, तो आप क्लाउड ले लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कभी भी कोई भी नेट आप ही कनेक्ट करिए, उसी नेट से आप अपना यूज करिए। डेटा लॉस होने की, डेटा करप्ट होने की, या कि आपके बार बार नेटवर्किंग करवाने वाले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और आपका सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब किसी भी सिस्टम में आप बैठो उस सिस्टम में आप काम करो, जैसे जीमेल फेसबुक ये चलाते हो ना आप, कभी मोबाइल पे खोलते हो, कभी सिस्टम में खोलते हो, कभी किसी भी डिवाइस में खोल लेते हो, कंप्यूटर में खोल लेते हो, उसी प्रकार से अपने इस क्लाउड को आप कहीं से भी खोल सकते हैं। मैं इसके जो डेमो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप इसको ट्राई करिए, और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। और मैंने प्राइस जो ये दिए हैं ये फाइनल प्राइस है, 8999 MRP है, डिस्काउंट होने के बाद आपको फाइनल 6000 रुपीज़ का ये पड़ेगा पर यूजर सिंगल यूजर, और यह एक साल के लिए वैलिड रहेगा, 1 ईयर के लिए। और इसके अलावा
आप मुझे कॉल करके इसका डेटा डाल के खुद से डेमो भी ले सकते हैं, और जो डिफॉल्ट डेमो है वो भी इसमें चलता है, डिटेल स्क्रीन पे है, आप इसमें ये डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है कभी इन फ्यूचर ये डेमो लिंक वगैरह बदल जाए तो हम डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड लिंक डाल देंगे, आप उससे देख के इसमें अपने सिस्टम पे डेमो ले सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।